أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. काबिल एहतराम मेरे भाई, मैं आपके सामने सूरह हशर का आखिर तिलावत किए हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया और इस आयत के शुरू के अंदर ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यानी मोमिन से मुखातिब किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये लोगों जो ईमान लाए, यानी वो सारी बात सिर्फ यौन इस रुकू के अंदर जो मैं आपके आपके सामने बात कर रखूँगा, अल्लाह ताला ने वो इरशाद फरमाया जो मोमिनों से कहा गया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह अल्लाह का डर अख्तियार अल्लाह का तकवा अख्तियार करो वलतंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द और हर शख्स ये देखिए उसने कल आखिरत के लिए क्या सामान जमा किया है। इसके बाद वत्तक़ुल्लाह फिर दोबारा कहा गया अल्लाह अल्लाह का डर अख्तियार करो इन्नल्लाह ख़बीर बिमा तअमलून बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। ये एक बड़ी जामे आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों को कहा और उसमें करने के काम भी बताए कि ये लोगों जो ईमान लाए अल्लाह का डर त्याग करो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल आखिर के लिए क्या सामान जमा किया है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस जिंदगी जो जिंदगी गुजार रहे हैं, आज की जिंदगी आज के दौर की जिंदगी तो बहुत ही पुरफजन जिंदगी, माता प्रस्थाना जिंदगी, हर एक को लालच हिर्स की आरजू होती है और हर एक की ये तमन्ना होती है मैं किसी तरीके से इसका माल ज़्यादा से ज़्यादा जमा करूँ और मैं किसी तरीके से यानी मुख्तलिफ काबिले करके मुख्तलिफ बहाने करके मुख्तलिफ धोखे के जरिए से यानी बहुत सी चीज़ों के ज़रिए से वो ये समझता है कि बस मैं अपनी जो आज की दुनिया है जो अभी जो मौजूदा ज़िंदगी मेरी वो किसी तरीके से वो अप हो जाए ग्रेड हो जाए यानी वो जो कम जिंदगी वो चाहता है कि मेरा मेयार ज़िंदगी बुलंद हो जाए यानी हर जगह दौड़ लगी हुई। हर शख्स ये चाहता है, मजदूर भी ये चाहता है, किसान भी ये चाहता है, सियासतदान भी ये चाहता है, आलिम भी ये चाहता है, इंजीनियर भी ये चाहता है, डॉक्टर भी ये चाहता है, सब लोग ये चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इस आयत के अंदर के मोमिनो चाहे तुम डॉक्टर हो, आलिम हो, फाजिल हो या इंजीनियर हो, किसान हो, जो भी, लेकिन तुम में से हर शख्स देखे कि उसने कल आखिर की जिंदगी उसकी कैसी, तो हर शख्स ने देखना चाहिए उसने कल आखिर के लिए क्या सामान जमा किया है। तो ये मेरे भाई जो मैं आपके सामने जो बात बयान करना चाह रहा हूँ ये कि मोमिन हम सब लोग हैं, सब मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, लेकिन हमें ये अभी मालूम नहीं पता चला कि हमें आखिरत की तैयारी कैसे करनी है, किस तरह के अमाल करने हैं, किस तरह की चीज़ें करनी है, क्या जिस तरह सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी का मेयार बनाया था
उन्होंने अपने 24 घंटे गुजारने के जो औकात मुकर्रर किए थे कि हमने उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाई, क्या सहाबा और सहाबियात ने जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की रोशनी में वो अपने घर के मामला, अपने महल्ले के मामला, अपनी बिरादरी के मामला, अपने रस्म व रिवाज, सारी चीज़ों को उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ढाला था, उसके उसके मुताबिक क्या हमने इसके मुताबिक हमने आपको ढाला है, कि हमने अपने आप को उसके मुताबिक हमने परखा है, कि हमने सहाबा इकराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने अपने से तकाबुल किया है, मुआज़ना किया है। ये आयत में झंझोड़ती है कि लोगों ईमान वालों अल्लाह का डर इख्तियार करो और हर शख्स उनमें से देखे कि उसने कल आखिरत के लिए क्या सामान जमा किया है। मेरे भाइयों, आज दुनिया की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो बात को मुख्तसर कर कहूँ, सबको यह है कि मेरा माल किस तरह बढ़ जाए, मेरी ज़िंदगी में किस तरह ये, चाहे उसे कौन से तरीके इख्तियार करता है उसे नहीं मालूम, लेकिन वो चाहता है। लेकिन मेरे भाई सहाबा इकराम की मिसालें हैं, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, मैंने भी बयान की है, लेकिन हम उसको अपने ज़िंदगी में अपने 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 ऊपर फिट करने के लिए, अपने अपने को उसमें ढालने के लिए हम तैयार हैं। हमें मालूम है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी बड़ी, यानी बड़े खलीफा थे, बहुत बड़े रकबे के माल हुक्मरान थे, उनकी घर की ज़िंदगी बहुत यानी बहुत 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 वो थी, यानी वो खुद पानी निकाल देते थे अपने कुएं के से, खुद अब चारा देते थे, खुद लोगों की गुर्बत दूर करते थे, यानी खुद किया करते थे। हज़रत उमर सिद्दीक़ की ज़िंदगी में पता है, और एक वाक़िया तो ऐसा हुआ कि जब एक कोई भाई के लोग खलीफा से मिलने आए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से, तो उनको इशारा किया वो जो बंदा जो पानी निकाल रहा है वो खलीफा है। यानी ये हमारे उस लोगों की ज़िंदगी थी जिन्होंने इस दुनिया पर हुकूमत की, इस दुनिया पर लोगों ने खिलाफत की, दुनिया में इस्लाम फैलाया, ये वो पैगंबर थे, उन्होंने इस तरह की ज़िंदगी गुजारी। लेकिन आज हमारा एक अदना सा हुक्मरान, ये अदना सा अफसर, एक अदना सा उसकी ज़िंदगी आप देखें, उसके अगर वो छोटा सा एसएचओ होगा, थोड़ा सा अफसर होगा, थोड़ा सा माल उसकी ज़िंदगी, और आप उससे तकाबुल करें जो अम्बिया की, जो सहाबा इकराम की ज़िंदगी थी, वो कितनी बुलंद, वो कितनी, यानी उनका मेयार ज़िंदगी क्या था। तो ये मेरे भाइयों इस आयत में हमें जोड़ती है कि हम भी अपने आप को इसमें परखें, हम भी अपने आप को इसके अंदर टटोलें, और ये दुनिया में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद जो उतारा है, आगे उसकी बात आएगी, ये इसीलिए उतारा है कि हम इससे रहनुमाई हासिल करें, हम इससे सबक हासिल करें, हम इससे इबरत हासिल करें, हम इससे अपने आइंदा में जो हमारी ज़िंदगी गुजरी, जो आइंदा वाली ज़िंदगी है उसके मुताबिक अपने को ढालें। ये इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद क़यामत तक रहेगा, चाहे बातिल साजिश अनासिर, तागूती अनासिर कितनी ही साजिशें कर लें इस कुरान मजीद को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, नहीं कुरान मिटने वाला नहीं है, ये कुरान ख़त्म होने वाला नहीं, ये क़यामत तक रहेगा, और क़यामत तक रहेगा ये कहिए, और ये क़यामत तक ये रहनुमाई लोगों की करेगी। इसके बाद फरमाइए ये इसमें इस आयत के अंदर इन्नल्लाह खबीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात की तारीखी में आप अमल करें, अंधेरे में अमल करें, उजाले में अमल करें, जो कुछ भी करें अल्लाह को हर चीज़ का मालूम है। मेरे भाइयों तकवा की मिसाल है, तकवा की बात चल रही है, और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में जी हुदल लिलमुत्तकीन के, हिदायत मुत्तकीन के लिए, वल्लाहु वलीयुल मुत्तकीन, और जो अल्लाह से डर इख्तियार करते हैं, जब आदमी अल्लाह से डरता है, जब आदमी अल्लाह का खौफ खाता है, तो बहुत सी बुराइयों से मिट जाता है, बहुत सी बुराइयों से अलहदा हो जाता है, और वो फिर वो आलूदा दुनिया में आलूदा नहीं होता वो किसी गुनाह में, लेकिन इसलिए कि अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है, अल्लाह उसका मेहरबान बन जाता है, अल्लाह का हाथ उस पर आ जाता है, इसलिए वो बुराइयों से बचता है। और हम खाली खाली दावे करेंगे हम मुत्तकी हैं, तो जाहिर बात है अल्लाह का हाथ हमारे पे नहीं हुआ, अल्लाह के दोस्त हम नहीं हुए। कुरान मजीद कहता है जो अल्लाह का डर इख्तियार करता है, अल्लाह का कौन बचता है, कौन वो ऐसा शख्स है जो खलीफा भी हो और पानी भी निकाले और लोगों को पिलाए, कौन सी वो खिलाफत होगी जो लोगों की खिदमत करने में मामूल, जिसके अंदर ये हिस्स ही ना आए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी बेटियों से कहा, अगर मैं चाहूँ तो तुम लोग, तुम्हें रोज नए खाने मिले और तुम्हें रोज नए पहनने के कपड़े मिले, लेकिन मुझे डर किसका है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का, जिसकी वजह से मैं, और वो बेटियां अपने मुंह पर हाथ बात की इसलिए कि उसे प्यास की भूख आती थी। तो ये मेरे भाई, ये हमारे खुलफा की ज़िंदगी, ये हमारे सहाबा की ज़िंदगी, यानी सिर्फ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ नहीं, सारे सहाबा की ज़िंदगी ऐसी थी, उन्होंने कभी भी इस दुनिया को अपने ऊपर गालिब नहीं दिया,
कभी भी उन्होंने इस दुनिया की आसाइशों को अपने ऊपर गालिब नहीं होने दिया। और ये इसीलिए कि जब रुस्तम के जब दरबार में एक सहाबी गए वहां पे, तो वो उनके कालीनों को चीरता हुआ गया, इसलिए कि उनके उनके नजदीक अल्लाह और उसके रसूल की अहमियत ज्यादा थी, इसलिए उनके नजदीक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उन पे थी। इसीलिए वो जहां भी जाते थे तो वो बात करते थे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत को, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखकर बात की। इसलिए ऐसे लोगों के दोस्त अल्लाह ताला है। वल्लाहु वलीयुल मुत्तकीन। और मेरे भाइयों, अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। जो लोग ईमान लाए और अल्लाह का डर इख्तियार करते हैं, अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, तो उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में खुशखबरी है, यानी सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत के अंदर भी। इसलिए कि मेरे भाई, तकवा इख्तियार हम समझते हैं, अगर हम डरेंगे, खौफ खाएंगे, अल्लाह का डर तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा। यही खौफ होता है इंसान को, जब मैं अमानतदारी दिखाऊंगा, जब मैं सारी चीजें करूंगा तो मेरी तनख्वाह भी नहीं बढ़ेगी, मुझे बोनस भी नहीं मिलेगा, मेरा कमीशन भी मारा जाएगा। यानी आदमी के तरह तरह की सारी चीजें होती हैं। यानी अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं डंडी नहीं मारूंगा, तो जाहिर है मेरा कारोबार तो फैलेगा फूलेगा नहीं, मेरी चीजें तो वहीं की वहीं रुक जाएगी, मेरी मेरे रिस्क में मेरा जो माल है वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। ये इंसान को खौफ रहता है हर वक्त, ये इंसान को हर जगह खौफ रहता है। यानी आपने देखा, जो भी तकवा इख्तियार करेगा उस वो कभी भी कमीशन नहीं लेगा, वो कभी भी रिश्वत नहीं लेगा, वो कभी भी दो नंबर ही नहीं करेगा, वो कभी भी डंडी नहीं मारेगा। इसलिए और उसके बराबर वाला जो सारी चीजें जायज समझता है और समझता है ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, और उसकी जिंदगी बड़ी से बड़ी होती जाती है, वो कार से फिर दूसरी कार फिर तीसरी कार, इस तरह की जिंदगी में तब्दीली आती। लेकिन मेरे भाई और दुनिया, ये डर है, ये शैतान वसवसे डालता है इंसान को ये सारे खौफ लगाते हैं। लेकिन मेरे भाई जो आपके सामने जो आयत रख रहा हूँ ये कि उमैयत तकिल्ला यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो लोग अल्लाह का डर इख्तियार करेंगे, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बरकत करेंगे जहाँ से गुमान में भी नहीं होगा, यानी उसे गुमान में भी नहीं होगा कहाँ से रिज़्क मिला। तो ये शैतान यानी बहुत हसीन अंदाज में आता है। शैतान जब इंसान पर हमला होता है तो बहुत बहुत बड़ी तैयारी के साथ आता है। वो ऐसे नहीं आता कि आप रिश्वत ले लें, आप ऐसे नहीं कहता, ये तो तुम्हारा हक बनता है, ये तो तुम्हारा है, तुम्हारा तो हिस्सा ही। यानी शैतान इस तरह आता है। लेकिन मेरे भाइयों, इस दूसरी आयत जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, वो मैं यद तपिल्ला यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, और जो अल्लाह का डर इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला उसके मामलात जिंदगी आसान करेंगे। आसान में देखिए, कोई हो तो हो तकवा वाला, कोई मुत्तकी आए तो सही, कोई अल्लाह का डर इख्तियार करने वाला पैदा तो हो, कोई अल्लाह का डर इख्तियार करने वाला सामने आए। लेकिन मेरे भाइयों, ये बिल्कुल हकीकत है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने आप को इस नहज पर वो लाए थे, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस जगह पर वो आए थे, वो ये आयत सारी की मुकद्दर बनी। आज अगर हमारी ये आयत मुकद्दर नहीं बन गई, फिर हमें अपने आप का जायजा लेना चाहिए, हमें आपको अपने आप को परखना चाहिए, और हमें अपने आप का हिसाब करना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, हम कितनी जगह पर हैं। तो ये मेरे भाइयों, कुरान मजीद हर जगह हर मोड़ पर हर आयत हर लफ्ज़ ये रहनुमाई करता है मुसलमानों की, ये लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह का डर इख्तियार करो, और अशर तुमने से ये देखे कि उसने कल सामान क्या जमा किया है, और अल्लाह का डर इख्तियार करो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। मेरे भाइयों, मैं इसी हवाले से जो पूरी वो आयतों पर मुहित है, दो तीन मिसालें मैं भी देना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने आपके सामने हजरत उमर की मिसाल दी, इसी तरह यानी डर किसे कहते हैं, अल्लाह का खौफ किसे कहते हैं। आदमी को सारी चीज़ें मिल रही हैं लेकिन वो अल्लाह के डर की वजह से, तो जिस तरह एक हदीस में आता है कि एक तीन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तीन तीन लोग एक गार में फंस गए और इस तरह की गार बिल्कुल बंद हो गई। तो उन्होंने जब उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम अल्लाह से उसी को यहाँ से निकल सकते हैं जब हम अल्लाह के सामने कोई अपना नेक अमाल पेश करें। तो उसमें मेरे भाई जो वाकया वो है जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि एक शख्स कि जो एक बुराई पर आमादा हो, यानी एक लड़का और लड़की बुराई पर आमादा हो गई, लेकिन मेरे भाई सारी चीज़ तैयार हो गई, लेकिन उस शख्स के अंदर उसी वक्त अल्लाह का डर पैदा हो गया, उसी वक्त अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। तो मेरे भाई, अल्लाह के यहाँ जब उसने अपना अमल पेश किया कि ए अल्लाह, मैं सिर्फ आपके डर की वजह से वो बुराई पर आमादा नहीं हुआ, तो मेरे भाई वो जो पहाड़ जो बंद हो गई थी, वो इसकी वजह से वो खुल जाती पहाड़, वो इसका रास्ता बन जाता। तो मेरे भाई, अमल
आदमी रोशनी दिखाता है, यानी बहुत सी चीज़ों में। और एक अजीब मिसाल जो आज मादा प्रस्ताना दौर है जिस पर बिल्कुल फिट आती है, यानी एक ऐसी मिसाल कि एक शख्स ने किसी को पैसे रखवाए और उसकी माँ उसने वो चला गया बंदा और उसको मालूम था ये पैसे किसके हैं, तो उस शख्स ने इस माल से ऐसी तिजारत की जिसके जरिए से इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ कि वो यानी फलता फूलता गया और इतना ज़्यादा हो गया। और अचानक वो बंदा आता है कि साहब मैंने आपको जो अमानत दी थी वो मुझे वापस कीजिए। उस शख्स ने ज़रा बराबर तामुल नहीं किया, वो सारी की सारी चीज़ें जो भी उसके बाद जमा था उसने कारोबार किया था वो सारी की सारी चीज़ें लौटा दी। यानी ये ऐसी मिसाल है इस मादा प्रस्ताना के दौर के अंदर कि कोई इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाइयों जिन्होंने जिन पे अल्लाह का डर हो, जिन पे अल्लाह का खौफ हो, जिन पे अल्लाह की मशीयत पे चलने वाले हों, ये वही मिसालें दे सकते हैं। तो मेरे भाई सारी मिसालें हैं और ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि हम उनकी मामलात ज़िंदगी में आसानी पैदा करेंगे और उनको ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे जिससे उनको उसका तसव्वुर नहीं होगा। तो ये और मेरे भाइयों आपने देखा, यानी ऐसा नहीं है अल्लाह खुद कुरान मजीद में है कि जो सूरह काफ में जो वाकया है कि अल्लाह ताला ने कई सालों तक लोगों को रिज़्क़ दिया वो, यानी ये मिसालें कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। तो मेरे भाइयों मैं आपसे कह रहा था कि अल्लाह का डर इख्तियार करना, अल्लाह ताला का खौफ इख्तियार करना, ये दुनिया में रहने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने अंदर अल्लाह का खौफ इख्तियार करें। इसके बाद फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना नसू अल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। यानी ये इंसान के पास जब चीज़ें मुहैया होना शुरू होती फिर वो अल्लाह को भुला देते हैं, लेकिन फिर अल्लाह ने उन्हें भुला देता है और ये भी लोग फासिक हैं। फिर फरमाया ला यस्तवी असहाबुन नारि व असहाबुल जन्नत असहाबुल जन्नत हुमुल फायजून, कि नहीं है बराबर असहाब जन्नत और असहाब जहन्नम, यानी कभी भी यकसा नहीं हो सकते जन्नत में जाने वाले और जहन्नम में जाने वाले। जन्नत में जाने वाले वही फाइज तरीन लोग हैं जो मैंने आपके सामने इतनी तकवा की जो मिसालें दी अल्लाह ताला के खौफ की, ये इसीलिए मिसालें हैं कि आखिरत में उनका ठिकाना जन्नत है, आखिरत में उनको जो चीज़ मिलनी है वो जन्नत मिलनी है। और इसलिए कि जन्नत के बारे में आपने सुना हो कि जन्नत कैसी होगी और जहन्नम कैसी होगी, एक बहुत बड़ा ये भी एक दर्स है कि जन्नत और जहन्नम, यानी जन्नत के अंदर इंसान को हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। यानी अगर मुख्तसर में बात करूं कि जन्नत में आपसे हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी ख्वाहिश है, लेकिन मेरे को जहन्नम बहुत बुरी चीज़ है जिसमें इंसान गया तो समझो वो हलाक हो गया। और जहन्नम जहन्नम में ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जहन्नम की सिर्फ एक झलक इंसानों को दिखा दी जाए तो वो जहन्नम से इतनी पनाह मांगे और सारी चीज़ें छोड़े और जन्नत की तरफ रखे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जन्नत की एक झलक से आप लोगों को दिखा दी जाए तो आप लोग सारे के सारे जन्नत की तरफ जन्नत वाले बन जाओ, यानी इस तरह की। लेकिन क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी आजमाइश की ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें आजमाना है, इसीलिए इसमें फरमाया ला यस्तवी असहाबुन नारि व असहाबुल जन्नत हुमुल फायज़ून, कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले कभी भी एकसा नहीं हो सकते, असहाबुल जन्नत हुमुल फायज़ून, जन्नत में जाने वाले फायज़ तरीन लोग हैं। इसके बाद फरमाया कि लव अनज़लना हाज़ा कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह, अगर ये कुरान मजीद जो मैं आपके सामने जिसकी मैं तिलावत कर रहा हूँ जिसका मैं आपके सामने दर्स रख रहा हूँ, अगर ये कुरान मजीद अल्लाह ताला किसी पहाड़ पर उतार दे तो ये पहाड़ उसकी खशियत से रेजा रेजा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद को इंसान पर उतारा है, इंसान जात को उतारा है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अशरफुल मखलूकात है, यानी दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूकात है जितनी भी अल्लाह ने तख्लीक की चीज़ में उसमें से सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो इंसान की ज़ात है। इसीलिए कि अल्लाह ने इस कुरान मजीद को इंसान पर उतारा है और इसीलिए इंसान से कहा गया है कि तुम्हें इस पर अमल करना है। और अगर ये उसकी खशियत से ये अल्लाह ताला इसलिए मिसालें देता है कि तुम लोग हम लोग फिक्र हासिल करें। ये है कुरान मजीद की जो चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा जो सबक मिलता है कि हम अल्लाह का डर इख्तियार करें, अल्लाह का खौफ इख्तियार करें, अल्लाह से डरें, हर जगह डरें। ऐसा नहीं सिर्फ ये अपने दफ्तर में या मस्जिद में नहीं, बल्कि हर जिस तरह मैंने आपको वाकया बताया कि आदमी बुराई पर आमादा है, आदमी सब उसे धोखा दे सकता है सारी चीज़ें, लेकिन अल्लाह के डर की वजह से अल्लाह के खौफ की वजह से लोगों का माल भी वापस करता है, बुराई से भी रुकता है और हर चीज़ से वो रुकता है। इसलिए कि इंसान ही अपने आप पर खुद गवाह होता है कि मैं कितना सच्चा हूँ। इंसान
हर इंसान को पता है कि नेकी क्या है बदी क्या है, ये हो ही नहीं सकता कि आदमी ये सब इसको समझ में आए कि मैं बुरा काम करूँ। आदमी को पता होता है, इंसान को मालूम जब नेक काम करते हैं उसे खुशी महसूस होती है, जब बुरा काम करता है उसे फिर बददिली होती है, उसे भी पता होता है अंदर इसका जमीर भी झंझोड़ता है कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, मैं अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे अमाल करने की तौफीक अता करे। अमाल सालिया ही हमें दुनिया में तरक्की दे सकते हैं, और अमाल सालिया के जरिए से ही हम जन्नत का हुसूल कर सकते हैं, और अमाल सालिया के जरिए से ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हासिल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल इतनी मिसालें कायम हैं कि हम अपने अखलाक को अच्छे करें, हम चोरी ना करें, हम गीबत ना करें, हम चोरी ना करें, हम किसी में तोहमत ना लगाएं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं और अपने आमाल अच्छे कर सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों पे गए, गीबत, तोहमत, चुगली, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, हसद करना, गुरूर करना, अपने आप को दूसरों के सामने जताना, किसी का मान हड़प करना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को कमतर करती हैं, इंसान को जलील भी करती है, रुस्वा भी करती है। लेकिन इसके मुकाबले में आप उसने जन से काम लें, इसके मुकाबले में आप अखलाक से पेश आएँ, लोगों के अच्छे अखलाक से बात करें, सलाम से कलाम करें। इसी तरह बेशुमार मिसालें ऐसी हैं जिसके ज़रिए सीरत के महीने के अंदर हम अपने आप को आरास्ता करें, पेरस्ता करें कि हम इंशाल्लाह आइंदा के वक्त झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी का हसद नहीं करेंगे, किसी का माल नहीं खाएंगे। और ये सारी चीज़ें, ये इंसान जब जिसके अंदर डर होगा, खौफ होगा, ये सारी चीज़ें करेगा। अगर हम दूसरे अभी प्यार करेंगे तो मेरे भाइयों उसका ठिकाना फिर जहन्नम है। वो जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है और जन्नत बहुत अच्छा ठिकाना है, और इसी में हमें जाना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुनने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।